अभी आपको लॉलीपॉप देंगे। जैसे अभी लॉलीपॉप दे दिया एक तो कि 100 रुपया सिलेंडर सस्ता, आप लोग खुश हो गए। लेकिन ये तो सोचो 1000 रुपया महंगा किसने किया था, 1000 महंगा करके 100 सस्ता खुश, ये आपके साथ करता है मोदी। देखो 5 साल आपको लूटता है और 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर देता है। हम कहते हैं ये बंदा बड़ा अच्छा है जी, जो मर्जी है जी 100 रुपया सिलेंडर। अरे इन लॉलीपॉप में मत आना, इन जुमलों में मत आना। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की कलम 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी, शर्त लगा लो आप तो चाय वाले लोग हो, आप तो चाय भी नहीं बनानी आती होगी। झूठ पे झूठ, झुमले पे झुमला, पता नहीं कहां कहां से। जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। भाई जब मुख्यमंत्री के अपने प्राइवेट स्कूल होंगे, वो सरकारी स्कूलों को क्यों ठीक करेगा? भाई क्यों करेगा वो? अगर मुख्यमंत्री की अपनी ट्रांसपोर्ट होगी, वो सरकारी बसों को क्यों चलने देगा? भाई अगर मुख्यमंत्री खुद ही जमीन खरीदने और बेचने का काम करता है, वो किसी का और का काम क्यों चलने देगा? भाई अच्छा परिवार था, लड़की लाडली थी कि बहुत अच्छी शादी करेंगे, उसके लिए सामान तैयार किया, बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े टीवी, बड़े बड़े गहने, चांदी सोने के गेवर सब बनवा लिया। कल बारात आनी थी, आज शाम को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। डाकू आए ट्रक लेके, लड़की के पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया। अब सोचना, ये देखना कि कैसे लॉलीपॉप देते हैं आपको। पर बाद में बंद कर दिया तो सारा सामान, सोफे, टीवी सब ट्रक में ले आया। चलने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, लड़की का परिवार किस कमरे में बंद है, खोलो। बोले, अंदर जाके बोले, किस लड़के की शादी है? एक लड़की बेचारी उठी, जी मेरी शादी। डाकू ने अपने हाथ जेब में डाले, 100 रुपया उसको शगन दे दिया। बेटा तेरी जिंदगी बहुत तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, तू जिए, बुढ़ सुहागन होवे, बहुत बहुत मुबारक बेटा। ये कहकर वो चले गए अपना ट्रक लेके। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब लड़की के परिवार का एक भी बंदा पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं हो रहा था। कहते जी जो मर्जी है लूट के, जो मर्जी ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए भाई। अब पंजाब में भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं माता पिता के, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। तो भाई साहब मुझे ये बताइए, मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री की पत्नी के प्राइवेट स्कूल है, बड़े प्राइवेट स्कूल है, एयरपोर्ट पे ऐड लगी हुई थी। अब जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। भाई जब मुख्यमंत्री के अपने प्राइवेट स्कूल होंगे, वो सरकारी स्कूलों को क्यों ठीक करेगा? भाई क्यों करेगा वो? अगर मुख्यमंत्री की अपनी ट्रांसपोर्ट होगी, वो सरकारी बसों को क्यों चलने देगा? भाई अगर मुख्यमंत्री खुद ही जमीन खरीदने और बेचने का काम करता है, वो किसी का और का काम क्यों चलने देगा? भाई अगर मुख्यमंत्री का अपना ही टीवी चैनल है, उस पर तो तारीफ ही होगी भाई साहब। ये टीवी वाले ने उनका तो नहीं है ना, उनका तो नहीं है कोई कैमरा है, दिखा देना।
मुख्यमंत्री के अपने चैनल हैं जी भाई साहब, तो कौन दिखाए, कहां दिखेंगे, कहां क्या करेंगे हम। ये चल रहा है, चाय बागान का एरिया है, चाय बागान का एरिया है, 250 रुपये दिहाड़ी है, 250 रुपये दिहाड़ी है आम आदमी पार्टी की। आप झाड़ू का बटन दबाना, 450 दिहाड़ी करके दिखाएंगे आप। मैं 500 नहीं कह रहा, मैं 400 भी नहीं कह रहा, जितनी मैं कर सकता हूं। मेरे केजरीवाल, मेरे जो प्रधान हैं, उन्होंने कहा है वादा वही करना जो पूरा कर सकते हो। मैं 500 भी कह सकता था, मैं 400 भी कह सकता, लेकिन 450 तो पक्का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो माटी का पट्टा, माटी पट्टा नहीं मिल रहा है भाई। माटी हमारी है, पट्टा हमें मिलना चाहिए। आदिवासियों के 3 ज हैं, जल, जंगल, जमीन, उनको वो 3 नहीं मिल रहे, आपको माटी पट्टा नहीं मिल रहा। आम आदमी पार्टी को आने दो, माटी पट्टा आपका हक है, आप कानून बनाएंगे। तो ये समझते क्या देश को भाई साहब, देश को समझ क्या रखा है इन्होंने। कभी मर्जा चिड़िए, कभी जोंजा चिड़िए, ऐसे लोगों को भेड़ बकरियां समझ रखा है इन्होंने। कभी इधर कभी उधर, पहले सबसे पहले 2015 में सबसे बड़ा करप्शन का केस और सबसे बड़ा करप्ट बंदा डिक्लेयर किया था अमित शाह जी ने, आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी को। आज वो सबसे अच्छा और सबसे धुला हुआ वॉशिंग मशीन में आ गया ना, बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन में आ गया। हर बात पे झूठ बोला जा रहा है, हर बात जुमला है। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की कलम, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी, शर्त लगा लो आप तो चाय वाले लोग हो, आप तो चाय भी नहीं बनानी आती होगी। झूठ पे झूठ, झुमले पे झुमला, पता नहीं कहां कहां से। लेकिन आम आदमी पार्टी है, इनको लगता है अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। अरे कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हो आप, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? ये कितने अरविंद केजरीवाल पैदा हो गए असम में, पंजाब में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, बंगाल में, गुजरात में, बिहार में, कितने केजरीवाल पैदा हो गए, उनको कहां कहां पकड़ोगे, कहां पकड़ोगे बताइए। तो इनको लगता है हम वो पत्ते नहीं हैं। यहां 2-4 बीजेपी वाले भी आए होंगे, आए होंगे, पक्का आए होंगे, क्योंकि मेरी और अरविंद केजरीवाल की रैलियों में तो आते हैं, उनके आका भेजते हैं उनको कि जाके देखना भगवंत मान ने क्या बोला था आज। अब मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये बता देना अपने आका को कि हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। और इस बार आपके पास चॉइस क्या है, जब पोलिंग वाले दिन जाओगे एक मशीन पड़ी होगी पर्दे में और कोई नंबर देखने ही नहीं है, पहले नंबर पे ही झाड़ू है, पहले वाला बटन दबा देना,
अगर दूसरा तीसरा या कोई और बटन दबा दिया करंट लग सकता है आपको। तो पहला बटन दबा के अपनी जिम्मेदारी खत्म, हमारी जिम्मेदारी शुरू। मशीन में भी पहले नंबर पर है और चांद जून को आना भी पहले नंबर पर ही है। मनोज जी, मुझे हमारे मनोज बताइए, मैंने कोई बात झूठ बोली? इतना नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आपने जो बोला है सर, हम यहाँ पे हजारों की संख्या में हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे, और आपको इत्मीनान से कह सकते हैं। क्या मुझे बताओ, आप 250 की 450 होनी चाहिए, आप हमारी भी समाज से चाहे 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 भाई समाज से धरधर सर राइज अपना लोग एटा हुरत कोक अमार 450 टका मजूरी हबो लागिबो ने नाय एटा हुरत कोक। आंसर दे दिए सर लोगों ने, 450 रुपया चाय बगान के मजदूरों का। माटी पट्टा राय सबे एटा हुरत कोक अमाक माटी पट्टा लागे ने ना लागे। सर आंसर मिल गया आपको सर, क्या बात, तालियां इनके लिए, तालियां। इनके माता पिता बैठे हैं, इनके घर वाले बैठे हैं, पत्नी बैठी है, ये परिवार है। हम लोग आप जैसे लोग ही हैं हम, बाकी इनका तो अपने रिश्तेदार ही टिकटे लेते हैं, बस अपनी पार्टी में टिकटे रखो, चाचा दादा साला जीजा बेटा भतीजा सब इनके, लेकिन हम लोग आप जैसे हैं। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मेरे पिताजी मास्टर थे, अभी है नहीं दुनिया में, लेकिन आम घर से स्कूल जाते थे 10वीं तक साइकिल पे, तो वहां से आए, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई, मैं आ गया उसमें, और उस पार्टी ने इतना बड़ा नेता बना दिया कि आज मैं पंजाब का मुख्यमंत्री हूं। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। आम आदमी पार्टी आम लोगों को मौका देती है, आम घरों के बेटे बेटियों को, आपके बेटे बेटियों को भी मौका मिलना चाहिए। 2 साल में 43,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं, 43,000 सरकारी नौकरियां। पंजाब में बिजली फ्री है, पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है, पंजाब में आम आदमी क्लिनिक खुल गए, इलाज पैरासीटामोल की गोली से हो चाहे 40 लाख के ऑपरेशन से हो बिल्कुल फ्री है जी, दिल्ली में भी फ्री है। ऐसे ही असम में करेंगे, क्यों असम वालों का हक नहीं बनता? क्यों इलाज सिर्फ नेताओं का फ्री होना चाहिए? ये बिजली सिर्फ नेताओं को फ्री होनी चाहिए? आपका हक नहीं बनता? आप लोग क्या टैक्स नहीं देते? टैक्स देते हैं आप, तो टैक्स का पैसा आपके पास आना चाहिए वापस। तो मनोज जी एक नंबर पे हमारा निशान है, आपने दूसरा तीसरा चौथा नंबर देखना नहीं है। झाड़ू है सफाई करता है। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पंजाब और दिल्ली में मोदी जी की आंधी को कैसे रोक लिया? मैंने कहा क्या मतलब? कहते जी मोदी जी की आंधी को कैसे रोका? मैंने कहा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहते कैसे रोका? मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी कमल का फूल। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा कमल कहाँ उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा जी हमने कीचड़ की सफाई कर दी, पंजाब और दिल्ली में झाड़ू उगे, अब फूल कमल का फूल उगे ही नहीं। तो ये अभी आपको लॉलीपॉप देंगे, जैसे अभी लॉलीपॉप दे दिया एक, तो कि 100 रुपया सिलेंडर सस्ता, आप लोग खुश हो गए, लेकिन ये तो सोचो 1,000 रुपया महंगा किसने किया था? 1,000 महंगा करके 100 सस्ता खुश, ये तो वो बात हो गई। किसी घर में शादी थी, अच्छा परिवार था, लड़की लाडली थी कि बहुत अच्छी शादी करेंगे, उसके लिए सामान तैयार किया, बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े टीवी, बड़े बड़े गहने, चांदी सोने के जेवर सब बनवा लिया,
कल बारात आनी थी, आज शाम को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। डाकू आए ट्रक लेके, लड़की के पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया। अब सोचना, ये देखना कि कैसे लॉलीपॉप देते हैं आपको। प्रभाव में बंद कर दिया तो सारा सामान, सोफे, टीवी सब ट्रक में ले आना। चलने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, लड़की का परिवार किस कमरे में बंद है? कहते जी इस कमरे में। खोलो, खोले, अंदर जाके बोले, किस लड़के की शादी है? एक लड़की बेचारी उठी, जी मेरी शादी। डाकू ने अपने हाथ जेब में डाले, 100 रुपया उसको शगन दे दिया, बेटा तेरी जिंदगी बहुत तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, तू जिए, बुढ़ सुहागन होवे, बहुत बहुत मुबारक बेटा। ये कह के वो चले गए अपना ट्रक लेके। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब लड़की के परिवार का एक भी बंदा पुलिस के पास FIR लिखवाने को तैयार नहीं हो रहा था। कहते जी जो मर्जी है, लूट के जो मर्जी ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। भाई साहब ये आपके साथ करता है मोदी। देखो 5 साल आपको लूटता है और 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर देता है। हम कहते हैं जी बंदा बड़ा अच्छा है जी, जो मर्जी है जी, 100 रुपया सिलेंडर। अरे इन लॉलीपॉप में मत आना, इन जुमलों में मत आना, क्योंकि हकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है।